जम्मू काश्मीरच्या पुलवामातल्या अवंतीपोरा भागाजवळ गोरीपोरा मध्ये आतापर्यंतचा सगळ्यात मोठा दहशतवादी आत्मघातकी हल्ला घडवून आणण्यात आला आहे. सीआरपीएफच्या वाहनांना लक्ष्य करत आयईडी स्फोटकांच्या सहाय्याने हा हल्ला घडवून आणण्यात आलाय. या हल्ल्यातील शहीदांमध्ये महाराष्ट्राच्या दोन सुपुत्रांचाही समावेश असल्याची माहिती हाती येते. हे दोन्ही शहीद बुलढाणा जिल्ह्यातील असून नितीन राठोड आणि संजय राजपूत अशी त्यांची नावं आहेत. पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यातल्या चोर पांगरा गावचे रहिवासी असलेले नितीन शिवाजी राठोड हे या हल्ल्यात शहीद झाले आहेत. नितीन राठोड शहीद झाल्याचं समजताच संपूर्ण कुटुंबाला आणि गावालाच धक्का बसला. स्थानिकांनी राठोड यांच्या घरासमोर गर्दी केली. दहशतवादी हल्ल्यात नितीन राठोड शहीद झाल्याचं समजताच त्यांच्या चोर पांगरा गावासहित सगळ्या महाराष्ट्रावरच शोककळा पसरली. पुलवामातल्या याच आत्मघातकी दहशतवादी हल्ल्यात महाराष्ट्राचा आणखी एक सुपुत्र संजय राजपूत हे देखील बळी पडलेत. या हल्ल्यात शहीद झालेले संजय राजपूत हे बुलढाणा जिल्ह्याचे रहिवासी आहेत. संजय राजपूत यांचं कुटुंबीय जिल्ह्यातील मलकापूर इथल्या लखानी प्लॉट येथे राहतात. मलकापूरमधील 49 वर्षीय संजय राजपूत हे CRPF बटालियन 115 कार्यरत होते. संजय राजपूत शहीद झाल्याचं समजताच मलकापूरवर शोककळा पसरली आहे. संजय सिंग विक्रम सिंग राजपूत दीक्षित ये हमारे मोहल्ले के मलकापूर शहर के माता महाकाली के रहने वाले बहुत होनहार कार्य करते थे. हर बार देश के लिए प्रेम करना ये उनका एक जज्बा था. और जब उनका सिलेक्शन हुआ तो जब भी वो यही बताते थे कि मैं देश के लिए कुछ करके जाऊंगा. कल एक भैड़ हल्ला हुआ कश्मीर में और उसमें उनका शहीद हो गए. वो अगर ये जो आतंकवादियों ने हल्ला किया ये अगर सामने सामने करते तो सही में वो देश के लिए कुछ तो भी करके दिखाते थे. दिनांक 14 को हमारे भारत देश के ऊपर जो बहुत बड़ी आपत्ति आई जिसमें लगभग 40 के लगभग जवान शहीद हुए हैं, उसमें हमारे महाविद्यालय के माजी विद्यार्थी और हमारे दोस्त जो मेरे क्लासमेट रहे हैं, NCC में हम दोनों साथ में थे, संजय सिंह विक्रम सिंह दीक्षित ये भी उसमें शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमारे साथ में NCC करते हुए मुझे बहुत ही करीब से उनके साथ में रहने का मौका मिला. जो स्वभाव से बहुत ही कोमल थे लेकिन उतने ही डिसिप्लिन के कड़े थे और NCC में रहते हुए भी वह पूरा देश के लिए हम कुछ तो भी कर गुजरना चाहते हैं ऐसा उनका ध्येय था. और उसी तरह से उन्होंने महाविद्यालयीन विद्यार्थी का जीवन जो था हमारे साथ में, मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक वो पूरे डिसिप्लिन के चाहते थे और हसतमुख थे. और ऐसी हमेशा उनका मानना था कि हम देश के लिए कुछ तो भी कर जाए और उसी वजह से उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन किया था और आज वो देश के काम आए हैं. उनके कार्य को उनके उनके शहादत को हम यहाँ पर पूरी मनोकामना से श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं.